लोकसभा चुनाव 2024 में ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है, लेकिन क्यों ये दिल्ली से बंगाल तक सस्पेंस बना हुआ है। बुधवार यानी 24 जनवरी को पश्चिम बंगाल के बर्दाव में पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अभी बंगाल की सत्ता में है, जहां लोकसभा की कुल सीटें 42 हैं। गठबंधन से अलग होने के बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने उनके सारे प्रस्ताव खारिज कर दिए, इसलिए उन्होंने अकेले लड़ने का मन बनाया है। प्रस्ताव क्या था इसके बारे में ममता बनर्जी ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सवाल ये है कि ममता ने फिर से गठबंधन क्यों तोड़ा है। इसके पीछे तीन असल वजह है, बात करते हैं उनके बारे में। पहले, लेफ्ट के साथ रखने पर राजी नहीं थी ममता। मतलब ये कि तृणमूल सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी बंगाल में इंडिया गठबंधन के भीतर लेफ्ट को साथ रखने पर राजी नहीं थी। ममता ने कांग्रेस को इस बारे में दो बार आगाह किया था। पहले खुद अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मिलकर लेफ्ट को आउट करने की मांग की और फिर सोनिया से मुलाकात में ममता ने इसे दोहराया था। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि बंगाल में लेफ्ट का जो जनाधार था वो बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है। यही वजह है कि झारखंड बंगाल बॉर्डर से सटे इलाकों में बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है। दूसरा है, अधीर रंजन चौधरी को बंगाल अध्यक्ष की कुर्सी से हटाओ। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी से सबसे ज्यादा नाराज चल रही हैं। अधीर के टीका टिप्पणी पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। ममता का कहना था कि गठबंधन की घोषणा के बावजूद अधीर उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ममता ने इंडिया गठबंधन के मुंबई मीटिंग में भी अधीर के खिलाफ सार्वजनिक शिकायत की थी। हालांकि इसके बावजूद अधीर ममता पर निशाना साधते रहे। तीसरी वजह यह कि सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई का डर भी बड़ी वजह है, क्योंकि ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को सीपीएम और कांग्रेस ने सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई का परिणाम बताया है। इन दलों का कहना है कि सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई के डर से तृणमूल ने बंगाल में अकेले लड़ने का फैसला किया है, जिससे बीजेपी को फायदा हो। कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी कहती हैं, हम जानते हैं कि बीजेपी की ममता बनर्जी के साथ गुप्त मिलीभगत है। वो इतने लंबे समय तक गठबंधन में थी, अचानक उन्होंने अपना मन बदल लिया। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी के साथ समझौता हो गया है। ये तीन वजह हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने गठबंधन छोड़ा है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव के हर एक अपडेट से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव। Oh, 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 o